रामगढ़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जगत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल के दौरान खास बात यह थी कि जगत सिंह अपने पूरे परिवार के साथ नामांकन दाखिल करने रामगढ़ पहुंचे। नामांकन के दौरान जगत सिंह के साथ राजस्थान में बसपा पार्टी से विजय रहे पांचों विधायक भी मौजूद थे। नामांकन के बाद जगत सिंह अपने समर्थकों के साथ रामगढ़ के मुख्य बाजारों में रैली निकाली। मैंने टिकट मांगी, 2013 में मांगी, इस बार भी मैंने मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। अकस्मात चौधरी साहब हमारे आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी का निधन हुआ और बहुजन समाज पार्टी से मैंने संपर्क किया। मायावती जी बहजी जो मैं हमारी पार्टी की सुप्रीमो, मैं उनसे मिला और मैंने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने मेरी इच्छा को पूरी की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आज मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। सर, पूरे देश की निगाहें, क्या मुद्दा रहेगा आपका जीतने के बाद, क्या विकास कार्य, इन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आए? देखिए साहब, देखो मैं विकास से शुरू होता हूँ। विकास की दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और पहले तो हमारे कामा जो ये रामगढ़ का जो कस्बा है, इसमें हमें एक नगर पालिका स्थापित करना, इसलिए कि ये व्यवस्था हमारे कस्बे की तभी सुधरेगी जब नगर पालिका यहाँ स्थापित हो जाए और अगले हम अलग से हमारे पास फंड आए। दूसरी बात है कि ये गंदे पानी की जो समस्या हमारे कस्बे के अंदर, उसको दूर करने के लिए एक सूरेज सिस्टम की स्थापना। तीसरे नंबर पे कन्या महाविद्यालय, ताकि हमारी बहन बेटियाँ को अलवर जाने की आवश्यकता ना हो, उनको शिक्षा की सुविधा उनको यहीं मिल जाए अपने रामगढ़ में। उसके अलावा गोविंदगढ़ में पंचायत समिति की स्थापना, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, अभी एक ही पंचायत समिति है हमारी। और उप तहसील मुबारकपुर में, इसलिए मुबारकपुर एक कोने में रहता है और वो विकास से वंचित हमेशा रहा है। उसके अलावा जो मैं सोचता हूँ बहुत अहम मुद्दा है कि ये जो कानूनी अव्यवस्था यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर फैली हुई है पिछले 30 साल से, जो आतंक का माहौल है, जो दहशत का माहौल है, जो सांप्रदायिकता है, उसको मैं पूरी तरह से मैं खत्म करूँ। आप जो बात कर रहे हैं सारी सरकार की बात है कि यहाँ तहसील बनानी है या नगर पालिका बनानी है, वो सरकार बनाएगी और आप बसपा ही जीत कर जाएंगे मान लो जी, तो सरकार कैसे इन चीजों की घोषणा कर देगी यहाँ पर, क्योंकि पहले भाजपा की सरकार रही, भाजपा विधायक रही, वो नहीं करा पाए। साहब देखिए, इच्छा के ऊपर है और आपके विधि के ऊपर है। अब आपके पास ज्ञान हो और आपको योजनाओं की ज्ञान है और आप में क्षमता हो काम कराने की, तो ये कोई बहाना नहीं है। आप इंडिपेंडेंट विधायक भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट विधायक जुझारू हो और वो अपने लिखे और लिखा पढ़ी में तेज हो और वो नियम और कानून से परिचित है और योजनाओं से परिचित है, तो उसका अधिकार है मांगने का और उसको मिलेगा, इसलिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब आप भले आप सरकार के विधायक हो या मंत्री हो और आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कि विकास कैसे किया जाता है, तो आप कुछ भी करते रहो आप काम नहीं करा पाओ। नहीं, सरकार कांग्रेस की है तो आप क्या कांग्रेस में बाद में सपोर्ट करते हुए ये चीज करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस